उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के अंतर्गत 6 फरवरी से राज्य कर्मचारी ने महाहड़ताल शुरू किया था। यह धरना 12 फरवरी तक चलना था, लेकिन पेंशन बहाली मंच ने अपनी हड़ताल को शुक्रवार तीसरे दिन ही स्थगित कर दिया। पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच के चेयरमैन भारतेंदु यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी बुढ़ापे की लाठी के लिए हड़ताल पर थे, जिसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुरानी पेंशन बहाली मंच के चेयरमैन भारतेंदु यादव ने कहा। मेरा नाम भारतेंदु यादव, गोरखपुर से। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य कर्मचारी थे, शिक्षक कर्मचारी अधिकारी मंच के तले 6 फरवरी से 12 फरवरी तक महाहड़ताल होनी थी, जिसमें राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया। फिर भी राज्य कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन बहाली, जो बुढ़ापे की लाठी है, इसकी बहाली के लिए दिनांक 6 तारीख को धरना दिया, दिनांक 7 तारीख को धरना दिया, लेकिन 7 तारीख को ही किसी एडवोकेट के द्वारा जो है पीआईएल दाखिल होता है, और उसी दिन पीआईएल दाखिल होता है, उसी दिन हमारी माननीय न्यायालय जो है फैसला सुनाती है कि इनका जो धरना हो वैध नहीं है। हम लोग तांत्रिक रूप से पूछना चाहते हैं, अपनी मांग मांगने के लिए, अपनी मांग करने के लिए, क्या लोकतंत्र देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो कर्मचारी अधिकारी जो पहले से पुरानी पेंशन पा रहे थे उसके लिए जो धरना कर रहे थे, कहां से यह अवैध हो गया? जबकि देश स्वतंत्र है, राज्य स्वतंत्र है, और स्वतंत्र देश में हम अपने न्याय के लिए, अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हम फिर भी माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए जैसे ही इस तरह का सूचना मिला कि अवैध है, हम लोगों ने तत्काल रूप से धरना स्थगित कर दिया। लेकिन पुरानी पेंशन की लड़ाई हम आगे लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिससे हम लोग का भी विचार डगमगाता है कि माननीय न्यायालय क्यों नहीं राम मंदिर पर इतनी जल्दी तुरंत निर्णय दे देती है, क्यों नहीं न्यायालय की जो कहा जाता है कि शिक्षकों से शिक्षा के अलावा और कार्य न कराए जाएँ, उसके बाद भी शिक्षा के अलावा शिक्षकों से अन्यत्र कार्य कराए जाते हैं। बाल मजदूरी न्यायालय ने रोक लगा रखी है, 6 से 14 वर्षों तक बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन फिर भी होटलों पर देखने को मिलता है कि आए दिन बाल मजदूर दिखते हुए काम करते रहते हैं। तो शासन सत्ता अपना मनसा साफ करे, हमारी पुरानी पेंशन जो हमको मिलती आ रही थी उसको हमको वापस कर दे, अन्यथा हम सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करते रहेंगे। और आगे निर्णायक बैठक चल रही है, हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई करो से मरो तक लड़ते रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बताया था कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए है और कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, और इस तथ्य पे हम लोग अपनी लड़ाई आगे बढ़ा रहे थे, और लेकिन समाचार पत्रों में सिर्फ छोटा सा निकला कि धरना स्थगित किया जाता है, जबकि कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि 1 माह के भीतर पुरानी पेंशन पे अपना आप लोग बैठक करके एक न्यायोचित मुद्दा उठा करके इसको प्रकाश में लाने का कार्य करें। और सरकार ने न्यायालय से भी कहा है और न्यायालय ने सरकार से भी कहा है कि पुरानी पेंशन को लेकर के 1 माह के अंदर इस तरह से कर दें, अन्यथा 1 माह के अंदर हमारी ये चीज़ें नहीं होती हैं तो जो भी अनवरत कार्यक्रम करते रहेंगे विभिन्न संगठनों के द्वारा, हम शिक्षक कर्मचारी अधिकारी उसमें प्रतिभाग करते रहेंगे।